अधिमा भाई दोस्तों, दो सुंदर परियां आ गई हैं। देखो आज तो चमक रही है। मैंने बाल खुले नहीं करे क्योंकि हवा चल रही है। हाँ, आज तो बिल्कुल चमक रहे हैं भाई, क्या बात। ढोल दमाव वाले तो नहीं पहुँचे, बट हमारी जो बुआ है ना, देखो यहाँ ना कंट्रोल में लगाया जा रखा है, तो ये बढ़िया लगा मुझे, ये वाली टेक्निक भी सही लगी। बाकी भाई दोस्तों, तो ढोल दमाओ की व्यवस्था में ना वो आकांक्षा है इधर से, तो इनको ढोल दमाओ की व्यवस्था दे रही है। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत, और एक नए दिन की शुरुआत हो रही है दोस्तों ठीक नकुरी गांव से, और हमारे सामने ठीक है दोस्तों नकुरी गांव, और यहां से ना दोस्तों ये गांव बड़ा खूबसूरत सा दिखाई देता है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है फिलहाल। पर यहां से ना आपको आधा ही गांव देखने को मिलेगा, आधा गांव दोस्तों थोड़ा सा पीछे साइड को है। तो कल रात को दोस्तों मैं यहां पहुंच गया था, आपने मेहंदी का ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके जरूर चेकआउट करना। बाकी आज दोस्तों हल्दी हाथ है, तो आपको आज हल्दी हाथ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो है गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और इस प्यारे से गांव नकरी गांव से। अरे दीपक भाई भी दोस्तों पहुंच गए हैं सुबह सुबह, और हमारे लिए तेल भी लेके आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। बोलो गाइस, कैसे हो आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है इस ब्लॉग में। बिल्कुल प्यारे से गांव नकरी गांव से। हल्दी की जो तैयारियां है ना दोस्तों, वो भी शुरू होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों हल्दी हाथ में। बाकी ना दोस्तों सबसे पहले ना जाड़े वगैरह कूटे जाते हैं, यानी हल्दी वगैरह कूटी जाती है, तो उसकी प्रक्रिया दोस्तों कुछ ही देर में शुरू होगी, या तो शुरू हो भी गई होगी, तो आपको लेके चलता हूँ सीधा हल्दी हाथ में। साथ ही में दोस्तों मैं ठीक अभी नौकरी के पंदेरे में, ये सामने ठीक पंदेरा है दोस्तों यहाँ पे, और पानी की बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ समस्या। बाकी ना दोस्तों जो खाना वगैरह बनेगा ना वो ठीक इस वाली जगह पे बनेगा, और अपनी बाइक वगैरह भी यहाँ पे खड़ी हो रखी है। तो हल्दी की जो तैयारियां होंगी ना दोस्तों, वो ठीक इस वाले चौक में होगी। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मस्त टेंट वगैरह लग चुका है, तो बढ़िया है, छाया वगैरह में आराम से काम सारे निपट जाएंगे। मैंने तो सोचा था दोस्तों कि अभी तक सारी तैयारियां शुरू हो गई होंगी, बट अभी तक ना दोस्तों कुछ भी तैयारियां शुरू नहीं हुई है। ढोल दमाव तक नहीं पहुंचा है दोस्तों, जो सबसे पहले पहुंचता है, तो ढोल दमाव पहुंचेगा उसी के बाद ना दोस्तों जाड़े वगैरह कूटे जाते हैं जब ढोल दमाव पहुंचता है, तो अभी तक तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, तो देखते हैं कब तक तैयारियां शुरू होती है। साथ ही में भाई दोस्तों यहाँ से ना खूब सारे गांव देखने को मिलते हैं, तो ठीक हमारे सामने है दोस्तों कोलेरी गांव, इसी के ऊपर दोस्तों भटोरू है, और साथ ही में इधर साइड को नजर डालोगे तो ये है दोस्तों ताची खाल, साथ ही में दोस्तों इस तरफ को नजर डालोगे तो दोस्तों ये है कोठिला, और ठीक दोस्तों इस तरफ को नजर डालोगे तो यहाँ पे है दोस्तों डंगू गांव, और बड़ा खूबसूरत से यहाँ से दिखाई देता है, और बहुत मस्त लोकेशन पे भी बसा हुआ है, देखो बिल्कुल सैंड है वहाँ पे, तो सैंड टाइप के जो गाँव होते हैं ना दोस्तों वो बड़े प्यारे से दिखाई देते हैं, और ये भी बड़ा प्यारा सा दिखाई दे रहा है। और इतने सारे गांव दोस्तों यहां से कवर होते हैं, मतलब इस पूरी वैली की तरफ आप देखोगे ना तो इतने सारे गांव यहां से कवर हो जाते हैं, मतलब इतने सारे गांव आपको ठीक सामने दिखाई देंगे। और कल ना दोस्तों ठीक जो हमारे सामने जंगल क्या है ना, वहां आग वगैरह लगी हुई थी, तो अभी ना उस तरफ को ना बिल्कुल धुंध हो रही है, देखो पूरे जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं दिख रहे ना वहाँ पूरी धुंध वगैरह लगी हुई है। तो हो गई है भाई दोस्तों तैयारियां शुरू, जो ओखली होती है ना उसको बिल्कुल अच्छे से लीपा जाता है, तो उसी का काम दोस्तों अभी चल रहा है। इसके बाद भाई दोस्तों इसमें जाड़े वगैरह कूटे जाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों गणेश पूजा वगैरह होती है, फिर हल्दी हाथ शुरू होता है। तो जो गणेश पूजा होगी ना दोस्तों वो ठीक इस वाली जगह पे होगी, बाकी तैयारियां चलना शुरू हो गई है दोस्तों।
सर हवाओं के साथ वही दोस्तों गणेश पूजा भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हल्दी हाथ शुरू होगा, यानी पूजा पाठ का जो भी कार्यक्रम था ना वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। हल्दी हाथ में खूब सारी भीड़ हो गई है, यानी सभी लोग लगभग लगभग पहुंच गए हैं। बाकी हवाएं चल रही है बड़ी भयंकर सी। जो सबसे पहले बांधा होते हैं ना दोस्तों वो पंडित जी देते हैं, पंडित जी ने बांधे दे दिए हैं। ये बात घर वाले देते हैं यानी मम्मी पापा देते हैं, उसके बाद ही सभी की हल्दी हाथ शुरू होती है, यानी सब बांधे देते हैं उसके बाद गाँव वाले। और जो हमारे दीपक भाई है ना दोस्तों आज बिल्कुल पंडित जी बन गए हैं, और टाइम दोस्तों कैमरामैन रहते हैं, बट आज पंडित जी का काम भी दोस्तों इनको सौंप दिया गया है, तो शायद भविष्य में पंडित बनने वाले हैं। दीपक भाई क्या आप पंडित वाली भूमिका निभा सकते हो? बिल्कुल निभा सकते हैं, थोड़े कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल थोड़ी सी संस्कृत सीखनी पड़ेगी, बस थोड़ी जान लेना पड़ेगा। बिल्कुल भाई दोस्तों ढोल दमाव वाले तो नहीं पहुंचे, बट हमारी जो बुआ है ना खुद ही बजाने लग गए। अब बारी है भाई दोस्तों कन्याओं की, तो सारी कन्याएं दोस्तों लग गई है लाइन पे। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी छोटी छोटी कन्याएं होती है ना वो बाने वगैरह देंगी, इसी के बाद सभी के बाने शुरू होंगे। हल्दी हाथ भाई दोस्तों लगातार चली रहा है और गांव वाले भी लगभग लगभग पहुंच ही गए हैं, और इतनी लंबी लाइन दोस्तों हल्दी हाथ के लिए लग गई है, यानी बाने वगैरह देने के लिए बहुत लंबी लाइन लग गई है। हल्दी हाथ को दोस्तों शुरू हुए 2 घंटे हो गए और कम से कम अभी 1 घंटा और लगेगा क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। हल्दी में भाई दोस्तों 2 सुंदर परियां आ गई है, देखो आज तो चमक रही है। हाँ आज तो बिल्कुल चमक रहे हैं भाई, क्या बात है। कितना मेकअप किया है? लग तो रहा है मेकअप कर रखा है। कौन सी वाली क्रीम लगा रखी है? फिरम लवली। चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा। राहुल को कैसा लग रहा है इधर? ठीक ही लग रहा है। खातेदार होने की नहीं होनी? बिल्कुल, आप हमारी बहुत खातेदारी कर रहे हो तो हो ही रही है। मेरी शादी के दिन कुछ नहीं करा मैंने नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन भी रह गया, उस दिन भी करी आपने और आज भी करी आपने, कुछ नहीं हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो काफी ज्यादा दोस्तों लेट हो रही है, तो इसी के चक्कर में देखो पंडित जी ने सीधे लाइन पे ही धागे वगैरह बांधना शुरू कर दिया है। तो चलिए जी दोस्तों, हो चुका है हल्दी हाट आफ्टर 3 घंटे के बाद। बाकी इन्होंने ना लपड़ा लपड़ भी कर दी, पूरे मुंह पे ना हल्दी लगा दी, और ये कच्ची हल्दी है, ये इतनी आसानी से बल निकलती भी नहीं है। बाकी अभी दोस्तों दुल्हन को नहलाया जा रहा है, यानी दुल्हन को धोया जा रहा है, तो उसके बाद ना दोस्तों आरती वगैरह होती है, और उसी के बाद दोस्तों हल्दी हाट भी संपन्न हो जाता है। तो हो गए है भाई दोस्तों सारी रस्में, यानी आरती वगैरह भी हो गई है, जुअर वगैरह पहनाए जाते हैं वो वाली प्रक्रिया भी हो गई है। साथ ही में दोस्तों अब होगी दोस्तों आधी गणेश पूजा। आधी पूजा दोस्तों पहले ही हो जाती है गणेश भगवान जी की, और आधी गणेश पूजा अब जाके होती है, तो अभी वही चलेगी, और उसके बाद सभी निकल जाएंगे खाना वगैरह खाने के लिए। मतलब दोस्तों कुछ लोग तो निकल गए हैं खाने के लिए, और कुछ खाना खा के आ भी गए हैं। बाकी खाने की जो व्यवस्था है ना दोस्तों वो ठीक क्या है, खाना वगैरह हो गया है दोस्तों, अब निकल रहे हैं यहाँ से सीधा पंडा की तरफ। तो हमारी माता जी है ना, तो हमारी माता जी आई, बाने वगैरह दिए और जाने लग गए, तो माता जी को ही छोड़ने जा रहा हूँ। साथ ही में अपने पापा जी भी हैं, उनको भी छोड़ने जा रहा हूँ, और शीतल को लेके जाना है दोस्तों बिरोखाल, क्योंकि बिरोखाल से पहले गिफ्ट वगैरह लेगी। तो पापा जी का सफर दोस्तों आज मेरे साथ था, पीछे से बहुत डर रहे थे 30 की स्पीड में भी डर रहे थे क्यों? 30 की स्पीड है हाँ, ये झूठ बोल रहा है, 30 की स्पीड। पापा जी को डर लग गया यार दोस्तों, बोले वरन मार, उसको बोलते देखो आ रहा जो कितना पीछे हो, एक बेचारा अभी तक नहीं आ पाया। मजा आया होगा, उबे जानता 600 रुपए जी मजा आता फिर गया। यहाँ से भाई दोस्तों माहौरों का सफर जो रहेगा ना पैदल का रहेगा, यहाँ तक छोड़ने आए थे, इन्होंने पिलाया हमके एक स्प्राइट की बोतल। तो बाय बाय हैं, बाय बाय। और अभी दोस्तों हम सीधा बिरुखाल मार्केट में आ गए हैं। फिलहाल बिरुखाल मार्केट को देखो पूरा का पूरा क्लोज हो गया है, एक दो दुकानें खुली हुई है बस, और इस साइड को भी सब क्लोजमेंट हो रखा है देखो सब का सब। भाई चलिए जी दोस्तों वापस भी आ गए हैं ठीक नौकरी में। बाकी अभी ना दोस्तों बेदी वगैरह बनाई जा रही है, फिर बेदी वगैरह को भेटा भी जाएगा, तो अभी वहीं जा रहे हैं। बाकी ना दोस्तों दुल्हन वगैरह निकल गए हैं, अब हम भी निकल रहे हैं पीछे से। तो ठीक दोस्तों इस वाले चौक में बनी हुई है बेदी। बाकी यहाँ देखो भाई स्तंभों को ना दोस्तों जमीन में घाटा जाता है, बट यहाँ देखो यहाँ ना कंट्रोल में लगाया जा रखा है, तो ये बढ़िया लगा मुझे, ये वाली टेक्निक भी सही लगी। बाकी भाई दोस्तों जो ढोल दमाओं की व्यवस्था में ना वो आकांक्षा है इधर से, तो इनको ढोल दमाओं की व्यवस्था दे रही है, तो इनकी टीका फिटाई भी हो जाएगी बहुत जल्दी। इस वाली पूजा में ना दोस्तों जो दुल्हन के पिताजी होते ना वो चारों स्तंभों को, यानी जो भी चारों पिलर है ना ये बेदी के, तो सभी की पूजा की जाती है, और सभी के ओके करके बैठ रहे हैं यानी पूजा कर रहे हैं। बेदी की जो भी पूजा थी ना दोस्तों वो भी हो गई है, शाम को दोस्तों अब न्यू ईयर पार्टी होगी,
यानी न्यूतर पार्टी में दोस्तों मेहमान वगैरह आएंगे और उसके बाद दोस्तों बढ़िया से डीजे में धमाल होगा, तो आपको सीधा वही लेके चलेंगे और डीजे में धमाल दिखाएंगे। Rock it out.